पुराणों के अनुसार ईश्वर एक शुद्ध प्रकाश है और उसकी उपस्थिति से ही ब्रह्मांड निर्मित होते हैं और भस्म भी हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में तीन तरह की शक्तियां सक्रिय हैं, देवी, दानवी और मिश्रित शक्तियां। मिश्रित शक्तियों में यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, पितृ, किन्नर और मानव आदि आते हैं। वेदों के अनुसार ईश्वर को छोड़कर हमें किसी भी अन्य की प्रार्थना नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में विरोधाभास पड़ता है और मन भटकाव के रास्ते पर चला जाता है। द्वंद्व रहित मन ही संकल्पवान बन सकता है। संकल्पवान मन में ही रोग, शोक और तमाम तरह की परिस्थितियों से लड़कर सफलता पाने की शक्ति होती है। नमस्कार दर्शकों, बीएल ज्ञान के इस आध्यात्मिक जानकारी से भरपूर वीडियो में आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी को हमारी सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति का पिता माना जाता है, परंतु ब्रह्मांड या सृष्टि का रचयिता नहीं, उन्हें प्रजापति, पितामह और हिरण्यगर्भ कहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमें सृष्टि में लाने वाले देव हैं। सावित्री इनकी पत्नी है, सरस्वती पुत्री और हंस वाहन है। प्रजापति से ही प्रजापतियों का जन्म हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुल्हा, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा कदर्म, ये 10 मुख प्रजातियां हैं। ब्रह्मा जी से ही सभी देवताओं, दानवों, गंधर्वों, मनुष्यों, मत्स्यों, पशु और पक्षियों की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालक माना गया है। ये संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। विष्णु की सहचरणी माँ लक्ष्मी जी हैं। संपूर्ण जीवों का आश्रय होने के कारण भगवान विष्णु श्री नारायण कहे जाते हैं। वे श्री हरि हैं। आदित्य वर्ग के देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं। मत्स्य, कूर्म, वारा, वमन, हयग्रीव, परशुराम, श्रीराम, कृष्ण और बुद्ध आदि भगवान श्री विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। तो वहीं शिव सनातन धर्म का परम कारण और कार्य हैं। शिव हैं धर्म की जड़। जो भी धर्म के विरुद्ध है वे शिव की मार से बच नहीं सकते, इसीलिए शिव को संहारक माना गया है। धर्म पुराणों के मुताबिक देवता धर्म के तो दानव अधर्म के प्रतीक है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो दानवों के गुरु शुक्राचार्य। देवताओं के भगवान विष्णु हैं तो दानवों के शिव। इन्हीं के कारण जहाँ सूर्य पर आधारित धर्म का जन्म हुआ तो वहीं चंद्र पर आधारित धर्म भी जन्मा। मित्रों, हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी निश्चित ही पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।